हिंदू धर्म में कुछ पौधों का विशेष महत्व है। इनकी पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। वहीं इन्हें घर में लगाते हुए वास्तु का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, वरना ये शुभ फल की जगह दुखों का कारण बन जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या तुलसी और शमी को एक साथ लगा सकते हैं? इन दोनों ही पौधों को घर में रखना शुभ है, लेकिन क्या तुलसी और शमी के पौधों को एक साथ रखना ठीक है? आइए जानते हैं। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। इसे धन और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। शमी का पौधा भी एक पूजनीय पौधा माना जाता है और मान्यता है कि इसमें साक्षात शनि देव का वास होता है। यदि आप शनिवार के दिन इस पौधे की पूजा करते हैं या इस पौधे के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर की समृद्धि बनी रहती है। अगर बात करें इन दोनों पौधों को साथ में रखने की, तो इन्हें साथ में रखा जा सकता है। इन्हें साथ रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी बुध से संबंधित है और शमी शनि से संबंधित है। दोनों ही पौधों को एक साथ रखने से आपके घर वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बनता है, जिससे घरेलू में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यता है कि शमी को अपने सुरक्षात्मक गणों के लिए जाना जाता है और इसे तुलसी के साथ लगाने से आपके घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बढ़ सकता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इन्हें एक साथ रखने से घर में उत्साहित माहौल बन सकता है, जो परिवार के लोगों के विकास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। आपको भी तुलसी और शमी के पौधे को साथ में लगाते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।